उदाहरण 6। एक वृत्त की दो जीवाएं पी क्यू और आर एस समांतर है और ए बी जीवा पी क्यू का लंब समद्विभाजक है। सिद्ध कीजिए कि ए बी जीवा आर एस को भी समद्विभाजित करती है। हल। हम जानते हैं कि वृत्त की जीवा का लंबार्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ए बी जीवा पी क्यू का लंब सम द्विभाजक है। इसीलिए ए बी वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। अब क्योंकि ए बी वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा और हमारे पास प्राप्त है ए बी लंब है पी क्यू से और पी क्यू समांतर है आर एस से। इससे हम कह सकते हैं कि ए बी लंब है पी क्यू से और पी क्यू समांतर है आर एस से। तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी भी लंब है आर एस से। ए बी भी लंब होगा रेखाखंड आर एस से। अतः ए बी लंब है आर एस से और ए बी वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ए बी हमारा लंब है आर एस से और ए बी वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी जीवा आर एस का भी लंब समद्विभाजक होगा। अतः ए बी जीवा आर एस का भी लंब समद्विभाजक करेगा। पुनः हम देखते हैं हमारे पास हम जानते हैं कि वृत्त का जीवा का लंबार्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ए बी जीवा पी क्यू का लंब समद्विभाजक है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। अब ए बी समांतर है आर एस से और पी क्यू समांतर है आर एस से। इससे हम ये कह सकते हैं कि ए बी जो है हमारा आर एस से लंब है। ए बी लंब है आर एस से। अतः ए बी लंब है आर एस से और ए बी वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसीलिए ए बी जीवा आर एस का भी लंब समद्विभाजक होगा। अतः ए बी जीवा आर एस का भी लंब समद्विभाजक करेगा। अतः ए बी जीवा आर एस का भी लंब समद्विभाजक
करेगा, यह इस उदाहरण का हल होगा। करके देखें, 5x त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6x लंबाई की जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए।